Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. स्पेन के बार्सिलोना में पहले हमले में 13 मौत के बाद कार से हुए दूसरे हमले में 7 लोग घायल। दक्षिणी बार्सिलोना में पुलिस ने 4 संदिग्धों को मार गिराने के साथ हमले में शामिल स्पेन और मोरक्को के एक एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। बिहार में बाढ़ से मौत का आंकड़ा 98 तक पहुंचा और 74 लाख लोगों पर तबाही का असर। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की चपेट में आए हजारों गांव में राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशासन का संघर्ष जारी। असम के 24 जिलों में बाढ़ के कहर से इस साल मरने वालों की संख्या 133 तक पहुंची। हिजबुल मुजाहिदीन को विदेशी आतंकवादी संगठन करार देने के अमेरिकी फैसले को पाकिस्तान ने नाजायज बताया। पीएम मोदी ने कहा, पहले सिफारिश से मिलते थे पद्म पुरस्कार, अब ऑनलाइन प्रक्रिया में काबिल लोगों का चयन होता। हमारे देश में पद्म अवार्ड कैसे मिलते थे, आपने अगर कोशिश की होगी तो आपको रास्ता मालूम होगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 350 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि 2019 में बीजेपी कहीं 360 के बजाय 36 सीट पर न सिमट जाए, कहीं 360 की जगह 36 ही न रह जाए। दिल्ली के मंगोलपुरी में शराब पीने से मना करने पर 2 सगे भाइयों पर चाकुओं से हमले में 1 की मौत। सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र चंद्र बोस ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि नेताजी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। He was the first Prime Minister. टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार कश्मीरी कारोबारी जहूर वटाली को एनआईए आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी। चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर अमेरिका से 6 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदेगा। गुजरात में स्वाइन फ्लू से अब तक 230 लोगों की मौत। वडोदरा, सूरत, राजकोट और अहमदाबाद सबसे ज्यादा प्रभावित। दवाइयां सब अच्छी तरह से उपलब्ध हो। दुनिया में पहली बार भारतीय नौसेना की 6 महिला अधिकारी अगले महीने धरती का चक्कर लगाने के लिए निकलेंगी। नोएडा में एसटीएफ ने ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारकर 40 लोगों को गिरफ्तार किया। भागलपुर सृजन घोटाले की जांच के लिए बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। कोची में अभिनेत्री सनी लियोन के कार्यक्रम में जुटी भारी भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस के पसीने छूटे। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.